देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं कोई किसी को कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, जो इंडिया अलायंस है, ये जो गठबंधन है, जिस गठबंधन की नींव ही स्वार्थ थी, तो उस गठबंधन में दरार आना स्वाभाविक है। और जब कमजोर इरादों पे, कमजोर नींव पे कोई इमारत अगर खड़ी करने की कोशिश की जाएगी, तो इमारत अपने आप धराशायी होना उसका स्वाभाविक है। जो इंडिया अलायंस है, जो तमाम एक गठबंधन, जो विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाने की नाकाम कोशिश की, उनका लक्ष्य जो है इस गठबंधन को बनाने के पीछे, उनका लक्ष्य अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना था, इसीलिए इस तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई। अभी तो चुनाव 2024 का बहुत दूर है, और अभी से इस तरीके की बातें आना ये दर्शाता है कि इस गठबंधन ने समाज को ठगने का तय किया था, समाज को गुमराह करने का तय किया था। लेकिन उनकी आपसी फूट अपने आप समाज को बताने के लिए काफी है कि जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, ये कहीं से भी जनता के विश्वास में खड़े उतरने वाला नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं कोई किसी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्षमता अपने सपने जो है अपने क्षमताओं के अनुसार देखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, और आज देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। अब पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ कहाँ उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है सबका पार्टी का, उससे दिस इज नॉट द इश्यू। ये कोई इश्यू नहीं है। अब हम ही को बना देगा, कृष्ण अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता, इसका कोई मतलब है क्या? Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.